पुतिन का वो प्लान जो अब एक्सपोज्ड है। क्या है पुतिन का ये प्लान और किस तरीके से ये आने वाले दिनों में खतरों की तरफ एक बड़ा इशारा कर रहा है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये प्लान है क्या और ये प्लान एक्सपोज हुआ है तो कितना, और अगर कंसील्ड है तो कितना। और अगर आप ये बात समझ गए तो फिलहाल जो ये दुश्वारी है वो कितनी है, कहां तक है और उसका इलाज क्या है, वो भी आप समझ जाएंगे। रूस का प्लान क्या है जरा वो देखिए। रूस का प्लान बेनकाब, कहां किन जगहों से अटैक होने वाला है जरा ये देखिए। अगर आप यूक्रेन का नक्शा अब तक समझने लगे हैं और अगर आप जागरूक नागरिक हैं, किसी भी देश के रहने वाले हैं और इस देश की, किसी भी देश में जिसमें आप रहते हैं उस देश की या फिर इस प्लेनेट की चिंता आपको है, तो अब तक ये नक्शा आपको रट गया होगा। ये नक्शा है यूक्रेन का और इसमें किन जगहों से, किन 7 एंट्री पॉइंट से अंदर रूस की सेना आने के बारे में प्लान कर रही है जरा वो देखिए। बेलारूस की तरफ से किन जगहों से ये 35,000 से 40,000 के आसपास डिप्लॉयमेंट यहां, और अभी मैक्सार सैटेलाइट तस्वीरों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डिप्लॉयमेंट यहां और बढ़ा है। और आप ये मत भूलिए कि बेलारूस ही वो कंट्री है जो न्यूक्लियर थ्रेट कल सबसे पहले सामने लेकर आई है इस तनाव में। मतलब क्या लुकाशेंको और पुतिन मिलकर अपने किसी प्लान को अंजाम देने वाले हैं, और क्या राष्ट्रपति यूएसएसआर बनाने का सपना जो देख रहे हैं उसमें लुकाशेंको भी उनके साथ है। अब जरा देखिए ये एंट्री पॉइंट्स, जरा उधर से शुरू करते हैं। क्रीमिया वाला इलाका बहुत अच्छे से आप पहचानने लगे हैं, ये प्रायद्वीप, और इसमें अब रूस का पूरी तरह से नियंत्रण। 2014 में तनाव के बाद इसको अलग किया गया, रूस ने अपने में शामिल कर लिया, और फिर उसके बाद कहा तो यह जा रहा है कि यहां जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से एक वॉर ड्रिल जो कि एनुअल एक्सरसाइज है उसके लिए यहां पर गए थे ट्रूप्स और उसके बाद वापस लौट रहे हैं। लेकिन ना तो नेटो को यकीन है और ना ही इस पर यकीन है यूक्रेन को। अब जरा देखिए ये डोनबास का इलाका जहां रूस के समर्थन वाले अलगाववादी रहते हैं, और रूस ने तो जब पिछली बार उससे कहा गया था कि आपने यहां सेना क्यों भेजी, तो उसने कहा कि लोगों ने खुद वॉलंटियर किया, हमने कोई सेना नहीं भेजी है। वहां के लोग रूस की मानसिकता से सोचते हैं, रूस की जुबान बोलते हैं, और वहां के लोगों को वॉलंटियर खुद वहां जाकर अपनी बात कह रहे हैं, रूस ने उनको नहीं भड़काया। और यहां से भी, यहां से एंट्री बहुत आसान होगी क्योंकि यहां से जाहिर है वो लोग खुद दरवाजा खोलने के लिए रूस की सेना के लिए तैयार है। एंट्री नंबर 3 ये भी रूस की तरफ से, और ये 3, 4, 5 तक आप जो देख रहे हैं और बल्कि 6 तक, यहां पर करीब करीब 1,00,000 सैनिक तैनात हैं। और इनमें जो बीच में यह खबर आई थी कि कुछ एक ट्रूप्स को वापस बुलाया गया है, उस खबर पर ना तो नेटो यकीन कर रहा है, ना अमेरिका की खुफिया एजेंसियां यकीन कर रही हैं, और ना ही यूक्रेन यकीन कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।